अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये मैं आपको अपनी फोकस में ग्लो दिखा रही हूँ, जो कि मुझे घर की रेमेडीज इस्तेमाल करके एक होम फेशियल कंप्लीट मैंने बनाया है। ये मेरी सेकंड वीडियो है और ये विंटर स्पेशल है। और दूसरी बात ये कि जो हम स्टेप करेंगे वो हमें न्यूरिश करेगा। ऑल टाइप स्किन है, कुछ स्टेप्स अगर उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करनी है ड्राई स्किन के हिसाब से, वो भी मैंने आपको मेंशन की हुई है। नहीं तो मैंने वो प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं जो ऑल टाइप स्किन है और ये बहुत डिफरेंट है। अच्छा, मैं जब बात कर रही हूँ कि ड्राइनेस की, और ऑयली स्किन भी ड्राई हो जाती है। अब मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी रफ हो रही है, नोज़ के एरिया पे आप वो ड्राइनेस या होंठों के पास आप वो ड्राइनेस देख रहे हैं, इसलिए मैंने ये स्पेशल फेशियल बनाया है। हम करेंगे अपनी फेस की क्लींजिंग, जो पूरी डस्ट वगैरह या गंदगी जो भी है, थोड़ा सा मेकअप भी है अगर चेहरे पे, तो उसको रिमूव हम करेंगे। और उसके लिए जो है मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ, जो ऑल टाइप स्किन के लिए बेहतरीन है। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, सबके लिए बेस्ट है ये। तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे जो कि आपके फेस को क्लींस करने के लिए हो। तो और साथ में मैं एक विटामिन ई का कैप्सूल ले रही हूँ। अब ये दोनों चीज़ें जब मैंने एक साथ मिला ली हैं, तो इसको मिक्स करने के लिए मैं टूथपिक की हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि पतला सा है तो अच्छे से इसको मिक्स कर देगा चमचे के बजाय। क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी है। इसको चेहरे पे अप्लाई करने के लिए आप दो उंगलियों की मदद से इसको ले लेंगे और फिर चेहरे पे मसाज करेंगे। अब आप इसको क्लीन करने के लिए रुई ले लें या कॉटन पैड इस तरह के ले लें। ऑयली कर लेंगे हम अपने चेहरे को, हल्का सा उसको मसाज करेंगे। आप होंठों पे भी लगा सकते हैं, आँखों के गिर्द भी इसको लगा सकते हैं। अपने अच्छे से चेहरे को ऑयली करने के बाद जो है उसको 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करना है, ताकि वो डस्ट और गंदगी को निकाल सके। इस तरह नहीं करना कि वो ऑयल आपकी स्किन में जब्स हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद आपने कॉटन पैड से जो है अपना चेहरा साफ कर लेना है। ये इतनी सारी गंदगी मेरे साफ चेहरे में से निकली है, तो अंदाज़ा लगाएं कि गंदे चेहरे में से कितनी सफाई ये करेगा। बेस्ट क्लींजर है ये, आप इसको कभी भी बगैर फेशियल के भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब के लिए सबसे पहली जो इंग्रेडिएंट लेंगे वो है कोकोनट फ्लावर। कोकोनट फ्लावर क्यों मैंने लिया है, क्योंकि वो ऑल टाइप स्किन के लिए है, बहुत जेंटल रहता है हमारी स्किन के साथ और बारीक से बारीक भी जो गंदगी होती है उसको निकाल देता है। ये आपकी जितनी भी सेंसिटिव स्किन होगी, कि स्क्रब्स अक्सर रेड हो जाती है, आप ये यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी स्किन कोई रिएक्ट नहीं करेगी। हमने सर्दियों में अपनी स्किन को बहुत जेंटली स्क्रब करना होता है, इसलिए राइस फ्लावर 2 टीस्पून। और इससे स्क्रब के बाद आप अपनी स्किन में एक नयापन देखेंगे। अगर आपके पास कोकोनट फ्लावर नहीं है तो आप राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी स्किन को हेल्प करती है, जैसे कि धूप से हमें प्रोटेक्ट करती है, स्किन को स्मूथ और ब्राइट बनाती है, और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है चेहरे का उसको जो है हेल्प करती है सही से सर्कुलेट होने में, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। तो हम ये लेंगे 1 टेबल स्पून। आप एंड में देखेंगे कि स्क्रब जो है बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है जिस तरह के आप नॉर्मल स्क्रब देखे होंगे। ये फेशियल ही बहुत डिफरेंट है, और जिस इसके बाद जो आप एक इफ़ेक्ट देखेंगे आप मुझे थैंक यू ही कहेंगे एंड में। हम रोज़ वाटर लेंगे, जो कि जो भी स्किन पे बैक्टीरिया है उसको किल करेगा और हाइड्रेट करेगा। आपने इतना लिक्विड डालना है कि स्क्रब का फॉर्म में आ जाए, कॉम्बाइन होके। ये कुछ इस तरह का है, स्मेल इसकी बहुत बेहतरीन है। 1 टेबल स्पून चीनी का डालेंगे इसको स्क्रबिंग फॉर्म देने के लिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप चीनी बिल्कुल भी ना डालें। ये स्क्रब ड्राई स्क्रब है, लेकिन इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आप स्क्रब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जब मैं कर सकती हूँ, फील ऐसे ही होगा कि ड्राई कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन इसको हमने हल्का सा ही करना है। हमने इसकी जो चीज़ों की जो फ़ायदे हैं वो अपनी स्किन को देने हैं, ना कि उसको रैशेज देने। तो ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना करना है, तकरीबन 5 मिनट तक। आप देख सकते हो अभी मेरा चेहरा कितना क्लियर हो गया है, सॉफ्ट एंड क्लियर।
लिया है। अब हम बनाएंगे मसाज क्रीम। उसके लिए जो सबसे पहले हम लेंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन लेंगे हम 1 टीस्पून। उसके अलावा हम लेंगे ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून और हम लेंगे बेसन 1/2 टीस्पून। ग्लिसरीन के बहुत से फ़ायदे हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करती है, स्मूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, मेंटेन वाटर बैलेंस आपका करती है स्किन का, नरिश करती है आपकी स्किन को, धूप से प्रोटेक्ट करती है और एज इट इज़ हील भी करती है अगर आपका सनबर्न हो गया है चेहरे पे। इसी तरह ऑलिव ऑयल जो है वो आपकी स्किन को दफ़ा और मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है अगर डैमेज हो गई है, और जो आपकी स्किन अगर मेच्योर स्किन है उसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, बेसन हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये सेंट एंड रिमूव करेगा और इंस्टेंट फेयरनेस देगा आपकी स्किन को। अच्छा, अब आपने जो है जितनी ये मैंने क्वांटिटी ली है ये एक आपके चेहरे के लिए बहुत है और इसी को आपने पूरे चेहरे पे लगाना। अगर ज़्यादा आपको लग रही है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा चेहरा गोल और भरा भरा सा है तो मेरे लिए काफ़ी थी और ख़त्म हो गई थी मसाज करने में, लेकिन अगर ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादा ऑयली भी आपने अपने चेहरे को नहीं करना है और उसी से जब तक मसाज करना है जब तक कि वो अच्छी तरीके से आपकी स्किन के अंदर जब्स ना हो जाए। इससे आपकी स्किन में एक बहुत बेहतरीन ग्लो आएगा जो कि आप एंड ऑफ द मसाज बिल्कुल देख पाएंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे, ये आप श्योर लिख लें। अब जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको साफ़ करने के लिए हम जो है तौलिए को हल्के कुनकुने पानी से निचोड़ लेंगे। डायरेक्ट अपने मुंह को जो है आपने पानी से नहीं धोना है, उससे भी एक्स्ट्रा ड्राइनेस हो जाती है चेहरे पे, तो ये बेहतरीन तरीका है। इस तरह जो है ऑयल जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी हट जाएगा और आपका चेहरा जो है ड्राई भी नहीं होगा। अब हम लेंगे स्टीम। स्टीम जो है सर्दियों में बेहतर यही है कि गर्म तौलिया जिसके अंदर से आप देख सकते हैं कि इस तरह से धुआं निकल रहा है उसके ज़रिए लें, वो ज़्यादा बेहतर भी रहता है। और अगर आप पहली दफ़ा स्टीम ले रहे हैं तो डायरेक्ट जिस तरह आप लेते हैं बाउल के अंदर करके वो थोड़ी सी डेंजरस भी हो जाती है, पता नहीं चल पाता, आप थोड़े करीब हो जाते हो, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। और हमने ऑयल से मसाज किया है तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से ऑयल को भी रिमूव करता है ये तरीका, तो आप 5 से 10 मिनट तक करेंगे इस तरह से। अब जब हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं, स्टीम इसीलिए ली जाती है ताकि पोर्स को ओपन कर सकें और ब्लैक हेड और वाइट हेड्स जो होते हैं उनको रिमूव कर सकें, आप देख सकते हैं रिजल्ट इसका। तौलिए की नोक थोड़ी सी सख्त वाली लें और ऑल टाइप स्किन जो है इसको कर सकती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा टूल्स यूज़ करने से रैशेज से पड़ जाते हैं बाकायदा, इतनी सेंसिटिव कुछ लोगों की स्किन होती है, तो ये बेहतरीन तरीका है रिमूव करने का। फेस पैक बनाने के लिए हम लेंगे मेथी का पाउडर, आप घर में भी बना सकते हैं ग्राइंड करके, 1.5 टेबलस्पून। एलोवेरा जेल 1 टीस्पून और हम लेंगे दही 2 से 3 टीस्पून। हम लेंगे शहद 1 टीस्पून। अब मेथी हमें क्या फ़ायदे देती है, वो जो है रिड्यूस करती है एज साइनिंग, मतलब कि आपकी अगर मेच्योर स्किन हो रही है या आप चाह रहे हैं अपनी स्किन का एहतियात रखना तो आपकी स्किन को यंग रखती है, और अगर इन्फ्लेमेशन है स्किन के अंदर तो उसको ख़त्म करती है और नेचुरल ग्रोथ प्रोवाइड करती है। इसी तरह एलोवेरा के भी बहुत से फ़ायदे हैं, वो सनबर्न को ट्रीट करता है, मॉइस्चराइज करता है, अगर आपकी किसी भी तरह की स्किन है और उसके ऊपर एक्ने हैं तो वो उसको ट्रीट करता है, और साथ साथ जो दानों के निशान हैं उसको भी वो रिमूव करता है वक्त के साथ साथ। दही एक दफ़ा फिर, उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ जो है ये एक्ने को भी फाइट करता है और डिसकलरेशन जो है उसको भी रिड्यूस करता है। हनी जो है वो हाइड्रेट करती है, रिंकल को रिड्यूस करती है, नेचुरल ग्लो आपकी स्किन को देती है, और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं इसीलिए हम अपने फेस पैक में इसको डाल रहे हैं।
अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट तक हम अपनी स्किन पे रखेंगे इसको। मैं अक्सर जब भी कोई रूटीन नेचुरल कर रही होती हूँ तो रात में करती हूँ या उस दिन करती हूँ जब मुझे बाहर नहीं निकलना होता। आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है हाथ से अप्लाई करते हुए। तो मास्क लगाने के बाद मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं बाहर नहीं जाती हूँ। ड्राई होने के बाद जो है इसको हम वॉश कर लेंगे। एज अ टोनर या एज अ मॉइस्चराइजर आप कह लें, अलमंड ऑयल ऑल टाइप स्किन है, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता तो ओओबा ऑयल जो है वो बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप कॉटन पैड की हेल्प से जो है आप अपने चेहरे पे इसको लगा लेंगे और उसके बाद अपने हाथों से जो है 2 से 3 मिनट तक इसको मसाज देंगे ताकि वो स्किन में थोड़ा सा जज्ब हो जाए। वैसलीन की मदद से आप अपने आँखों के गिर्द, अपनी भौहों पे, आईब्रोज और होठों को हाइड्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं इससे बेहतरीन फेशियल ग्लो जो कि आपको सैलून में मिलता है वो आपको मिलेगी। हर 15 दिन में आप ये फेशियल कर सकते हैं, हर हफ्ते बिल्कुल नहीं करिएगा। स्किन यूज टू हो जाए तो फिर रिजल्ट नहीं देती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूलें क्योंकि बहुत फ़ायदा देता है और लोग दुआएं देते हैं आपको और मुझे भी दुआएं देंगे देख के। और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं और आपके कमेंट्स का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।